हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बनाएंगे ये डिज़ाइन। तो ये मैंने कुशन का बनाया है डिज़ाइन। इसका आप तकिए का डिज़ाइन बना सकते हैं, या बेडशीट का डिज़ाइन बना सकते हैं, या आप क्विल्ट भी बना सकते हैं। बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं किस तरह बनेगा। ये बनाने के लिए कटिंग कर ली है, 9 पीस है ये हमारे पूरे टोटल। मेजरमेंट में है ये 5 इंच है और यहाँ से भी 5 इंच है। 5 बाई 5 इंच के 4 पीस हैं ये, और ये हमारे 5 पीस हैं। ये भी 5 बाई 5 इंच के 5 पीस हैं। अब इन पीसेस को रेडी करना है। सबसे पहले हमें ये पीस लगाना है, इसके बाद ये 4 पीस हैं, ये चारों साइडों में लगा देने हैं। इसके बाद ये पीसेस हैं, इनको हमें ये चारों कॉर्नर में लगा देना है। सभी पीसेस सेट कर लिए हैं, अब इनको सिलना है। ये लाइन है, इसे इस तरह से इस पीस को इसके साथ सिल देंगे और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। इसी तरह ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन सिल देनी है। तीनों पीस इस तरह से सिल दिए हैं, अब इन पीसेस को इस पीस के साथ सिलना है। यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और ये पीस है इसके साथ सिलेंगे। सारे पीसेस यहाँ पर सिल दिए हैं, पर प्रेस कर लेंगे, सारी सिलाई हमारी अच्छे से बैठ जानी चाहिए। इसके बाद अगर थोड़ा थोड़ा कपड़ा यहाँ पर आगे पीछे है, उसे कट करके बराबर कर लेना है चारों ओर से। अब इसे हमें इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद फिर से इसे इस तरह से फोल्ड करना है, ये बराबर फोल्ड आना चाहिए एकदम, और यहां से भी कटिंग कर लेनी है। अब ये पीस इस तरह से फोल्ड किया है, इस तरह रख देंगे, और ये पीसेस भी हैं, इनको भी इस तरह से ऐसे जैसे पहले थे वैसे ही रख देंगे। तो इस तरह ये हमारे 4 पीस बनके रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिजाइन को हमें पलटना है, तो ये साइडें भी पलट सकते हैं, ये भी पलट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये साइडें यहाँ पर ऐसे लगाऊंगी, और ये साइड है इसे भी यहाँ पर ऐसे पलटेंगे। तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं ये भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पलट दिया है। अब ये भी 4 पीस बन गए हैं और डिजाइन बन गया है। अब इनको भी सिल देना है, ये इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। दोनों पीस सिल दिए हैं, यहाँ पर प्रेस कर लेनी है और फिर से इन पीसेस को इस तरह से सिल देना है। ये जो सेंटर का पॉइंट है, इसको यहाँ पर इस तरह रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई भी लगा दी है, अब यहाँ पर भी प्रेस कर लेनी है अच्छे से। जो सिलाई हमारी है इनके ऊपर अच्छे से करनी है, जिससे सिलाई हमारी एकदम अच्छे से बैठ जाएंगी। इस तरह डिजाइन बन गया है। अब अगर साइडों में कपड़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो इसे हमें इस तरह मार्किंग करनी है। ये स्केल रख लेनी है, वो जो भी एक्स्ट्रा है वो हमारा इसके लाइन के बाहर का है, उसे कट कर लेना है। चारों ओर से ऐसे कट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये डिजाइन बनके रेडी हो गया है। बनने के बाद ये रेडी हुआ है, 13 इंच 13 इंच है, और यहाँ से भी 13 इंच है। 13 बाई 13 इंच का ये पीस बना है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो ये मैंने 5 बाई 5 इंच के पीस लिए थे, आप 6 बाई 6 के ले सकते हैं तो बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा बनाना है तो 4 बाई 4 के पीसेस लेके इसी तरह डिजाइन बना लें तो छोटा हो जाएगा। और कुशन को अगर बड़ा बनाना है तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप्स ली हैं, 2.5 इंच चौड़े में ली है। तो इन स्ट्रिप्स को चारों ओर से लगा देना है, इस तरह चारों ओर ये स्ट्रिप्स लगा दी है। अब इनको सिलना है, तो पहले हमें ये साइड की सिल लेनी है, यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और ये इसके साथ सिलना है। इसको सिलने के बाद ये स्ट्रिप्स यहाँ पर लगा देनी है दोनों, यहाँ पर चारों ओर स्ट्रिप्स लगा दी है। अब स्ट्रिप्स लगने के बाद ये हमारा थोड़ा बड़ा बन गया है। अब ये 17 इंच हो गया है यहाँ से, और यहाँ से भी 17 इंच हो गया है। तो इसका हमारा 16 बाई 16 का कुशन कवर आराम से बन जाएगा। साइड में आपको कोई कपड़ा दे देना है और इसका कुशन कवर रेडी हो जाएगा 16 बाई 16 इंच का। और इसके बाद अगर आपको जैसे इसकी बेडशीट बनानी है या कुछ और बनाना है, तो इस तरह के बहुत सारे पीसेस बना लेने हैं
और ये पट्टी लगा देनी है और आगे ये पीस लगा देना है। इसी तरह पीस लगाने के बाद ये पट्टी लगाते जाना है। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह बन के रेडी हो जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह पूरा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। और ये सब बनाने के बाद यहाँ पर बैक में कपड़ा दे देना है, जिससे सारी सिलाई हमारी कवर हो जाएंगी और बहुत ही प्यारी हमारी एक बेडशीट बन के रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ।